हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 की थर्ड एग्जांपल का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स और नंबर है 7/5। तो बच्चों, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने 7/5 को इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है। तो बच्चों, जैसे कि हमने पीछे इस एक्सरसाइज के जितने पार्ट किए उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें नंबर्स गिवन है उसमें से अंडर रूट वाला पार्ट कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट वाला पार्ट क्या है, अंडर रूट 5। अगर बच्चों हमें क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का आ जाए, मतलब कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स और हमें सिर्फ यही नंबर आ जाए, तो बच्चों सबसे पहले हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, उसके बाद बच्चों हमें 7/5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें पहले अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, उसके बाद इस सारे नंबर को 7/5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। और अगर बच्चों हमें यहाँ पर एक कंडीशन आ जाए कि अंडर रूट 5 ऑलरेडी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हमें कंडीशन गिवन हो, तो बच्चों जो पार्ट हम आज करेंगे हमें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करना होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अंडर रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ओके। और बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें लेट करना है कि जो नंबर हमें गिवन है उसको हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो उसको बच्चों हम लेट अस अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम कि वो नंबर हमारा रैशनल नंबर है। हमने लेट कर लिया, जिस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है उसको हम रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, मान लेंगे 7/5 इज रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम जो हमने ये कंडीशन लेट करी है रैशनल नंबर वाली 7/5 को, अब बच्चों इसको हम रोंग प्रूव करेंगे। अगर हम रोंग प्रूव कर देंगे तो 7/5 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बच्चों अगर 7/5 हमारा एक रैशनल नंबर है तो बच्चों ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, देयरफॉर 7/5 इक्वल टू ए अपॉन बी, ओके। अब बच्चों जो यहां पर जो ए और बी है, हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, को प्राइम नंबर्स होंगे। और बच्चों यहां पर जो हमारा बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस कंडीशन को हमने सॉल्व करना है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर हमारा प्रेजेंट होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। उसके बाद बच्चों हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब बच्चों हमारा ये क्या बन जाएगा, देखें ये हमारा बन जाएगा 7/5 इंटू बी इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ओनली अंडर रूट वाले नंबर को रखना है और बाकी सारे नंबर को हमने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, ओके। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें अंडर रूट 5 तो हमारा यही रहेगा, यहाँ पर 7 और b अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, मतलब कि हमारा बन जाएगा नंबर a अपॉन 7b, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमने क्या देखना है कि मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि अगर हम इंटीजर्स को, जो हमारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, उनको अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें, मतलब कि अगर हम लिखें 1/2, 2/3, -2/3 एंड सो ऑन, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर। अब बच्चों यहां पर क्या है कि ए और बी यहां पर हमारे कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है, और बच्चों को प्राइम नंबर भी हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इंटीजर्स रेशो की फॉर्म में है, ए अपॉन बी है, इसका मतलब ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेयर ए अपॉन 7b इज
a rational number because A and B are integers. Okay, बच्चों, अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, देखें अंडर रूट 5 a अपॉन 7 b के इक्वल है. अगर बच्चों राइट हैंड साइड में a अपॉन 7 b रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 भी रैशनल नंबर होगा. तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयर फॉर अंडर रूट 5 इज ऑल्सो a रैशनल नंबर. लेकिन बच्चों यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है. लेकिन बच्चों जो हमें कंडीशन गिवन थी कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमने मान के चले थे, हम ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मान के चले थे इस कंडीशन को. तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर. ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर, ये कंडीशन हमें गिवन थी कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है. अगर बच्चों अंडर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमारी कंडीशन थी कि a और b को प्राइम नंबर है ये नहीं होंगे. तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स. और अगर बच्चों ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 7 अंडर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब हमने 7 अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर लेट किया था तभी हमने a अपॉन b लिखा था, ठीक है, और a अपॉन b और a और b को हमने को प्राइम नंबर माना था, ठीक है, क्योंकि अगर 7 अंडर रूट 5 a अपॉन b के इक्वल होगा तो a और b इस केस में को प्राइम नंबर होते हैं. तो बच्चों अगर a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर 7 अंडर रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर. तो बच्चों अगर 7 अंडर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब देयर फॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ओके बच्चों, और ये हमने प्रूव कर लिया. तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Please subscribe my channel. Thank you.